हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका और मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी हार्ड में। अगर मेरे वीडियो आप लोगों को पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ लेटेस्ट वीडियो देखना मत भूलें। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा एयर इंडिया एयर ट्रांसपोर्ट सर्विस लिमिटेड के यहाँ पे कोलकाता एयरपोर्ट में सिक्योरिटी एजेंट के जो कि पोस्ट निकला हुआ है, जिसके लिए आपको यहाँ पे वर्किंग इंटरव्यू के डेट दिया गया है। आप लोग उस डेट में जाके जो कि इंटरव्यू दे सकते थे, तो उसके डिटेल्स मैं अभी आप लोगों को बताऊँगा किस तरह से आप जो कि इंटरव्यू जाने वाला है, यानी इसके साथ साथ एड्रेस क्या है जिस एड्रेस में जाके आपको यहाँ पे इंटरव्यू देना पड़ेगा। तो दोस्तों, पूरा वीडियो देखें, उसके बाद ही आप लोग जो कि आप लोग समझ पाएंगे किस तरह की जो कि आपको एक जाके इंटरव्यू देना पड़ेगा, कौन कौन लोग जो कि यहाँ पे जाके इंटरव्यू दे सकते हैं। तो दोस्तों, नंबर ऑफ वैकेंसी जो है 63 मेल, 53 एंड 10 फॉर फीमेल। कोलकाता एयरपोर्ट सिक्योरिटी एजेंट वर्किंग इंटरव्यू होगा, जिसके लिए यहाँ पे डिटेल्स मैं अभी आप लोग को बताऊंगा कि कौन कौन लोग जो कि यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो ग्रेजुएशन इन डिसिप्लिन, मिनिमम 3 इयर्स ड्यूरेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, एबिलिटी टू हिंदी स्पीक हिंदी इंग्लिश एंड कन्वर्सेशन विद लोकल लैंग्वेज, मस्ट पॉसेस वैलिड BCAS बेसिक AVACC सर्टिफिकेट, 12 डेज न्यू पैटर्न फॉर AVACC क्वालिफाइड कैंडिडेट एंड नॉट AVACC कैंडिडेट के लिए यहाँ पे ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन इन रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी विद एबिलिटी स्पीक हिंदी एंड इंग्लिश एंड कॉन्वर्सटेन विद लोकल लैंग्वेज। इसके साथ साथ फेवरेबल फॉर AVACC क्वालिफाइड कैंडिडेट के लिए BCAS को सर्टिफिकेट, SBIS स्कैनर एंड नॉन AVACC कैंडिडेट के लिए यहाँ पे NCC BSc सर्टिफिकेट। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है एज लिमिट के बाद, तो दोस्तों यहाँ पे एज लिमिट के बात करें तो यहाँ पे आपको जनरल वालों के लिए यहाँ पे 31 ईयर्स तक आप अप्लाई कर सकते हैं। SC ST के लिए 36 ईयर तक अप्लाई कर सकते हैं। OBC के लिए 34 ईयर तक आप अप्लाई कर सकते हैं, फॉर जो कि AVACC कैंडिडेट के लिए। जो लोग नॉन AVACC कैंडिडेट है उसके लिए यहाँ पे 28 ईयर्स तक आप अप्लाई कर सकते फॉर जनरल कैंडिडेट एंड SC ST 33 ईयर्स, OBC 31 ईयर्स एंड इसके साथ साथ AVACC कैंडिडेट के लिए यहाँ पे नो फिजिकली एंड्योरेंस टेस्ट, नो रिटन टेस्ट, ओनली पर्सनैलिटी असेसमेंट। जो लोग AVACC नॉन कैटेगरी है कैंडिडेट है उसके लिए यहाँ पे फिजिकल टेस्ट होगा, रिटन टेस्ट होगा एंड पर्सनैलिटी टेस्ट भी होगा। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को बता देता हूँ कि आपका हाइट कितना रहेगा अगर आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। तो दोस्तों, मेल कैंडिडेट जो कि जनरल वालों है उसके लिए यहाँ पे 170 एंड फीमेल जनरल कैंडिडेट के लिए 157, SC और OBC के लिए 165 फॉर मेल एंड 155 cm फॉर फीमेल। ST गोखरास एंड दोस हाइलिंग फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स एंड हिली एरियाज, जिसके लिए यहाँ पे मेल कैंडिडेट के लिए 162.5 सेंटीमीटर एंड 150 सेंटीमीटर फॉर फीमेल। इसके बाद यहाँ पे बात कर लेते हैं कि आपको सैलरी क्या रहेगा। दोस्तों, यहाँ पे आपका 20,190 रुपीज़ पर मंथ आपका सैलरी रहेगा। इसके साथ साथ यहाँ पे बता देता हूँ कि वर्किंग इंटरव्यू टाइम, डेट और वेन्यू क्या कहाँ पे है। तो दोस्तों, कोलकाता में इसका इंटरव्यू होगा 8 दिसंबर 2018 में इसका वर्किंग इंटरव्यू होगा। रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो कि 9 AM टू 12 PM तक आपको यहाँ पे जो कि सबमिट करना होगा। प्लेग्राउंड रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स न्यू क्वार्टर्स एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, 1 First Number एयरपोर्ट गेट, VIP रोड, दमदम, कोलकाता 700052। सिलेक्शन प्रोसेस जो होगा यहाँ पे AVACC कैंडिडेट के लिए, यहाँ पे कैंडिडेट हु फुलफिल द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हु वुड बी रिक्वायर टू अपीयर फॉर पर्सनैलिटी असेसमेंट एंड नॉन AVACC कैंडिडेट के लिए यहाँ पे आपको कैंडिडेट हु फुलफिल द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर द पोस्ट विल हैव अंडरग्रो एंड फिजिकली एंड्योरेंस टेस्ट विच रिक्वायर रनिंग 100 मीटर्स एंड 16 सेकेंड्स
और 1000 मीटर 4.5 मिनट। तो दोस्तों इसके साथ साथ यहाँ पे आपको 500 रुपीज़ जो कि एप्लीकेशन फॉर्म आपको एप्लीकेशन फीस आपको देना पड़ेगा। इसके साथ साथ नीचे इसका जो फॉर्म दिया गया है इसको आपको डाउनलोड करके यहाँ पे आपको जो कि आप इंटरव्यू के दिन या वॉकिंग इंटरव्यू के दिन आपको ये ले जाना पड़ेगा। तो दोस्तों यहाँ पे एयर इंडिया एयर ट्रांसपोर्ट लिमिटेड के जो यहाँ पे आपको फॉर्म दिया गया है इस फॉर्म को आपको फिलअप करना होगा। इसमें आपका पासपोर्ट साइज फ़ोटो स्टेशन अप्लाई, तो इसके लिए आपको यहाँ पे आपको आपका फुल नेम, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, सर नेम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ स्टेट, बर्थ, एड्रेस एंड पिन कोड, उसके बाद आपका टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, आपका जेंडर, आप मैरिटल स्टेटस क्या है आपके वो यहाँ पे देना होगा। उसके बाद नेशनलिटी, रिलीजन, मदर टंग, पैन कार्ड नंबर, आधार कार्ड नंबर, हाइट, वेट एंड आप कौन से कैटेगरी से आपका कास्ट है यहाँ पे वो देना होगा। उसके बाद अगर आप सर्विस मैन हैं तो आपको यहाँ पे येस करना होगा, अगर नहीं है तो नो करना होगा। उसके बाद वेदर द पुलिस सर्विस येस और नो यहाँ पे वो करना होगा। उसके बाद वेदर वर्किंग इन एनी गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग और ऑटोनोमस बॉडी अगर आपके पास है तो आपको यहाँ पे येस और नो करना होगा। उसके बाद आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, जिसके लिए आपको 10th पास के ऑल डिटेल्स, 12th पास, ग्रेजुएशन पास और एनी डिप्लोमा अगर आपके पास है तो एक्सपीरियंस क्वालिफिकेशन है तो आपको यहाँ पे वो भी देना होगा। उसके साथ साथ यहाँ पे दिया गया है कैंडिडेट मस्ट कैरी ऑल ओरिजिनल टेस्ट मिनरल अलोंग विद द सेट ऑफ फोटो कॉपी ऑफ SSC, HSC एंड ग्रेजुएशन इंक्लूसिव और मार्कशीट, पासिंग सर्टिफिकेट। कैंडिडेट नॉट हैविंग कन्वेक्शन सर्टिफिकेट ऑफ ग्रेजुएशन आर रिक्वायर टू कैरी प्रोफेशनल पासिंग सर्टिफिकेट। इसके साथ साथ यहाँ पे आपको इंग्लिश, हिंदी एंड लोकल लैंग्वेज जिसको आपको पढ़ना, बोलना एवं लिखना आपको यहाँ पे देना होगा। उसके बाद आपको वर्क एक्सपीरियंस अगर है तो आपको यहाँ पे वो देना होगा। उसके बाद आपका जो AVSEC की सर्टिफिकेट है उसका फॉर्म टू या उसका जो डिटेल्स है सर्टिफिकेट के डिटेल यहाँ पे वो सब कुछ यहाँ पे देना होगा। तो दोस्तों इस तरह से आपका यहाँ पे भी आपका जो ड्राफ्ट का नाम 500 के एप्लीकेशन फ़ीस का जो ड्राफ्ट है उसका भी डिटेल्स यहाँ पे देना होगा। नेम ऑफ ब्रांच, डेट ऑफ इशू, डिमांड ड्राफ्ट किसके लिए, नंबर, सब कुछ यहाँ पे देना होगा। इस तरह से जो कि इस फॉर्म को आपको लास्ट में यहाँ पे सिग्नेचर प्लेस डेट देके आपको इस तरह से फॉर्म जो कि आपको फिलअप करना होगा। तो दोस्तों फिलअप करने के बाद आपको क्या करना होगा, वर्किंग इंटरव्यू के डेट जिस डेट में है 8 दिसंबर 2018 में आप को उस डेट में इस फॉर्म को लेके जाना होगा। उसके बाद आपको इस फॉर्म को सबमिट करना होगा, उसके बाद ही आपको इंटरव्यू होगा। तो दोस्तों एयर इंडिया की रिसेंटली जो पोस्ट हुआ है कोलकाता एयरपोर्ट सिक्योरिटी एजेंट के, अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इसके साथ साथ लेटेस्ट वीडियो देखना मत भूलिए। उसके साथ साथ अगर आपके कोई भी कन्फ्यूजन होता है फॉर्म फिलअप करने में या कोई भी प्रॉब्लम आती है इस जॉब के लिए तो आप लोग मेरे को कमेंट करके या मेरे फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड ट्विटर के पेज नीचे दिया हुआ है उसके भी जाके आप लोग मेरे को SMS या क्वेश्चन पूछ सकते, मैं वहाँ पे उसका डिटेल्स मैं जवाब दे दूँगा। थैंक यू फ्रेंड्स।